एक बार नटखट परी का मर्डर हो जाता है। जब बालवीर वहां पर पहुंचता है तो नटखट परी को देखकर काफी हैरान हो जाता है। तो बालवीर को तीन लोगों पर शक होता है, जो कि लोग होते हैं पानी परी, बाल परी और डूबा डूबा। बालवीर उन सभी को वहां पर बुला लेते हैं और पूछने लगते हैं, यहां पर नटखट परी का मर्डर हो चुका है, मुझे लगता है आप तीनों में से किसी एक ने किया है। मैं आप सबसे पूछताछ करूंगा, आप सच सच बता देना, जब इनका मर्डर हुआ उस समय आप तीनों लोग क्या कर रहे थे। सबसे पहले डूबा डूबा कहता है, बालवीर मेरे पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं है, भला मैं नटखट परी को कैसे मार सकता हूँ। उसके बाद में बाल परी कहती है, नटखट परी मेरी एक अच्छी दोस्त थी और वो मेरी साथी भी है, मैं भी उसका मर्डर कैसे कर सकती हूँ। और मैं जब नटखट परी का मर्डर हुआ उस समय परीलोक में थी। और सबसे आखिर में पानी परी कहती है, नटखट परी मेरी भी अच्छी दोस्त थी, लेकिन मैंने नटखट परी को नहीं मारा है, उस समय मैं वीरलोक में थी। तो दोस्तों, बालवीर उन सभी की बातों को ध्यान से सुनता है और इधर उधर देखते ही बालवीर को पता चल जाता है कि तीनों में से खूनी पानी परी है। क्या दोस्तों आप बता सकते हो बालवीर को कैसे पता चला कि खूनी पानी परी ही है? अगर आप बता सकते हो तो अपना जवाब हमें कमेंट करें। आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। तो चलिए दोस्तों, इस पहेली का एकदम सही आंसर देख लेते हैं। बालवीर को इस प्रकार पता चलता है क्योंकि नटखट परी की बॉडी के पास काफी सारा पानी है। दोस्तों, बॉडी के पास पानी कहाँ से आया? शायद पानी परी ने अपनी जादुई शक्तियों से नटखट परी का खून किया होगा। पानी परी के पास पानी की शक्तियां हैं। वैसे दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय थी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारी यूट्यूब चैनल पहेली किंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर लेना।